अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मालूम पड़ी की चाकू मारने तो मैडम हमको मत लिखो, तुम रिपोर्ट हम चलेगा, हमको घर जान दो। जब जरा सी भी नहीं लिखी तो थोड़ा उन्होंने नीचे रिपोर्ट बना क्योंकि आपसे लेके हम जाने लगे गाजे की ये रिपोर्ट तुम्हारी इनसे पूछ लिया थोड़ा सा रिपोर्ट बना के दे दी हाथ में कर दे। थाने में एफ आई आर दर्ज नहीं हुई है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ऑफिस कहाँ का मामला और क्या मामला है? अमरपुरे का मामला है, दत्तूगढ़ी का। वहाँ पे कल ये जमीन का सर्वे हुआ था तो वहाँ पे उनने क्या करा, उनने हमको मारा। हमारे घर पे लेडीज जो थी शादी में आई थी मेहमान, उनको खूब मारा उनने। और हम समझाने गए तो हम भी मारने थोड़ा और डायरेक्ट गोली मार, और जैसे हम यहाँ पे आए वहाँ पे गोली मारी उनने। हमने देवास रिपोर्ट डालना आया और थाने में, फिर उसके बाद रिपोर्ट डालने गए तो थाने के अंदर भी हमको मारा। किन लोगों ने मारपीट किया आपके पास? आखिर उसे निकाला। अभी आप गोली मारने करोगे घायल वायल तो कुछ नहीं था ना? क्या नहीं नहीं घायल तो नहीं, उसमें कांच फुड़ गया उसके गाड़ी के, गोली जिसमें लगी गाड़ी के अंदर। और एक लेडीज़ का सिर भी फुड़ गया उसमें, और लेडीज़ को हम अस्पताल ले गए तो वहाँ पे भी हमारे भाई को चाकू वाकू मारा उनने था उसके अंदर। अभी एसपी कार्यालय में क्या आश्वासन मिला, क्या आवेदन दिया आपने यहाँ? जी अभी चल रही है कार्रवाई, अभी देखते हैं और आगे। क्या नाम है आपका? मेरा बच्चू। कौन लगते हैं आप घायलों के? भाई लगता हूँ मैं उनका। इसे को लेकर आप इतनी भारी संख्या में एसपी कार्यालय आए? जी हम इसलिए आए हैं कि कल ही नहीं हमारे को नियुक्ति करने आए थे और हमारे यहाँ पे कार्यक्रम था शादी का। कहाँ पे? अमरपुरा में। हाँ। गत्तूगढ़ी में। हाँ। हमारे भाई की लड़की की शादी थी। हाँ। वहाँ मेहमान वगैरह भी थे। हाँ। हमने किया श्रीमान क्या करना है, उनने बोला कि हम नियुक्ति करने आए थे। मैंने किसका आधार है कि तहसीलदार का, तो उनने हमने पूछा कि आदेश दो, हम उन्होंने आदेश नहीं दिया हमको। और चौकीदार से पूछा कि चौकीदार को दिया, चौकीदार से पूछा मैंने आदेश तो उसे जेब में से निकाल के दे दिया था। मैंने कि ये दे दिया तू कि तो आज दे दिया तू, उस रोज कितने रोज पहले का, दो रोज पहले का, तो मैंने आज क्यों दे दिया तू? हेड कैबिन के सामने मैंने पूछा जब। हाँ। तो उनने बोला कि बोले ही नहीं चौकीदार। तो मैंने कि भैया क्या आर्डर है, तुम्हारा खंभा काटने का है कि नहीं? तो वो 60-70 लोग लेके आए। उन्होंने कि मैडम आप तो नियुक्ति कर दो, हम सब लेने में कब जाने, हम सब खंभा काट देंगे। तो जमीन किसकी? अपनी के? जमीन अपनी है, जो हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया है कार्य का, वो हमने छोड़ दी, उनने खंभे काट दिए एक महीने पहले। हाँ। उसके बावजूद फिर दादा पहलवान करके ने फिर लेके आए। कौन लोग आए और क्या कुछ हुआ फिर? क्या कुछ हुआ? मारपीट हुई। मैंने उनने पूछा तो उसने आराई से देते हुए जब तक के मेरे को मारने लग गए। कौन लोगों ने मारपीट? ये कालू घोष के गुंडे आए थे, और कालू घोष ने उसके छोरे ने सब, अमन आया था, सोहेल आया था, कालू घोष आए थे। आपके इधर से कितने लोगों को घायल है? हमारे इधर से 4-5 लोग घायल है। अभी कैसी हालत है उनकी? अब एक तो अस्पताल एमजी में भर्ती है। हाँ। और हम उसको एमजी में जब मारा तो उसको गाड़ी में ला रहे थे। हाँ। तो गाड़ी में ला रहे थे तो हमारे पीछे लग गए हुए और हमारे को गोली मारी गाड़ी के अंदर। हाँ। हम पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस भी बैठी थी उसके अंदर। हाँ। गाड़ी के और फिर भी पीछे से हमको गाड़ी लगा के गोली मार दी उनने। हाँ। और गोली मारने के बावजूद उनने हमारे पीछे थाने तक गाड़ी लगी। हाँ। और थाने पे जैसे घुसे हम अंदर, उनने उतरे ने हमारे। अभी एसपी कार्यालय क्यों आए आप? एसपी कार्यालय और एसपी कार्यालय हमारी वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी, और जो भर्ती करी उनकी भी कुछ नहीं लिखी है। अच्छा। तो और अभी भी एक मिनट है, क्या मांगे आपकी? मैं हाँ एमजी में। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? हमारी कार्यवाही नहीं करी इसलिए हम एसपी ऑफिस वो मांग करना है हमारी। ठीक है। आपका नाम? हमारा शहीद खान।